और इसी बीच में बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में रहा नक्सलियों की पनाहगार। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी सीआरपीएफ की 2 बटालियन। बटालियन बालाघाट मंडला ढिंडोरी में होगी तैनात। तीनों जिलों में 220 नई सड़क निर्माण की मांग। नक्सली मूवमेंट एरिया में बढ़ेगी नई सड़क। तीनों जिलों में नक्सलियों ने नए कैडर हो रहे हैं तैयार। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में रहा नक्सलियों की पनाहगार। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी है सीआरपीएफ की 2 बटालियन। बटालियन बालाघाट मंडला डिंडोरी में होगी तैनात। तीनों जिलों में 220 नई सड़क निर्माण की मांग। नक्सली मूवमेंट एरिया में बनेगी नई सड़कें। तीनों जिलों में नक्सलियों के नए कैडर रहे तैयार। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों को लेकर जो है सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से सीआरपीएफ की 2 बटालियन मांगी है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रिजवान फोन लाइन पर जुड़ गया है। रिजवान, बात की जाए, मध्य प्रदेश में लगातार नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2 बटालियन की मांग की है, जिनकी तैनाती जो है 3 जिलों में की जाएगी। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नक्सलियों का जो बड़ा एक जो सक्रिय है, उसको लेकर जो है जब मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार जो है सीआरपीएफ की 2 बटालियन जो है मांगी है। सीआरपीएफ की दोनों बटालियन बालाघाट मंडला और डिंडोरी को घेर नक्सली एरिया में ये तैनात किए जाएंगी। मतलब सीआरपीएफ की जो बटालियन है, इनके साथ तीनों जिलों में 220 नई सड़कों का निर्माण की भी जो है मांग की है। तीनों जिलों में नक्सली मूवमेंट एरिया में रिजिड कॉन्क्रीट पेमेंट से बनेंगी 220 सड़कें। मध्य प्रदेश बालाघाट मंडला और डिंडोरी अगर हम बात करें, नए केडर को लेकर जो है ये तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश एटीएस विस्तार में जो 2-3 जिले हैं, उनमें जो है ये बटालियन तैनात करने की बात कही जा रही है। इसकी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश एटीएस ने की थी और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें नक्सलियों को मार गिराया था। और अब जो है बटालियन से जो है मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से जो है मांग की है, और 2 बटालियन जो है मांगी है। जी रिजवान, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, भारी संख्या में एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का में जो नक्सली हैं वो मध्य प्रदेश की तरह मूवमेंट कर रहे हैं, सीमाओं पर जो जिले हैं वहां पर वो अपनी नई जगह खोजने में जुटे हुए हैं? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कार्रवाई देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश एटीएस की बात करें तो यहाँ भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। लाखों के इनामी जो होते हैं, जो बड़े नक्सली होते हैं, खूंखार नक्सली होते हैं, उन पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली थी। इससे पहले मध्य प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी नक्सली मूवमेंट एरिया में, वहां पर जो है कुछ जवान भी घायल हुए थे, हालांकि नक्सलियों को मार गिराया था। एक बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश एटीएस की जो है देखने को मिली थी। चलिए रिजवान, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर राजधानी भोपाल से थी, जहां पर लगातार मध्य प्रदेश में नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, और अब केंद्र सरकार से 2 बटालियन की मांग की है राज्य सरकार ने।